फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा फैमिली। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी कृष्ण भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने हमारे लड्डू गोपाल कृपा चैनल को इतना सपोर्ट किया और इतना सारा प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी लोगों के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूं और आप लोगों की क्वेरीज का आंसर करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आप में से ही किसी एक ने किया था और पूछा था कि दी, जो आप ये गम यूज़ करते हो लड्डू के इयररिंग्स वगैरह स्टिक करने के लिए, या लड्डू की आप ड्रेसेस पे भी काफ़ी बार ये स्टिक करते हो, तो ये गम क्या है और इसे क्या कहते हैं, ये कहाँ मिलेगी? तो फ्रेंड्स, ये आप इसे वैक्स भी बोल सकते हैं। और जो लड्डू के जहाँ पर पोशाक मिलती है, जहाँ लड्डू की ड्रेसेस मिलती है जिस शॉप्स में, वहाँ पर ये गम आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसे वैक्स बोलिए, ये आपको पोशाक की शॉप्स में इजीली मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये एक और वैक्स है जो मैं लड्डू के श्रृंगार के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये ब्लू कलर की वैक्स है जो पुष्टि मार्ग श्रृंगार वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वैक्स लड्डू गोपाल जी की पोशाक जहाँ मिलती है उस शॉप्स में आपको इजीली मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, दूसरा सवाल था मेरा कि आप जो लड्डू गोपाल जी के लिए इयररिंग्स पहनाते हो, वो कैसे इयररिंग्स हैं? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल इयररिंग्स है, ये नॉर्मल प्लास्टिक के इयररिंग्स है और यही वैक्स यूज़ करके मैं इयररिंग्स को स्टिक करती हूँ। तो आप में से किसी एक ने पूछा था मुझसे कि आप लड्डू गोपाल जी के कैसे इयररिंग्स यूज़ करती हैं, तो यही वो इयररिंग्स है फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल इयररिंग्स है और इस वैक्स का मैं ये इयररिंग्स को स्टिक करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो तीसरा सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था और काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, इनफैक्ट एक ने नहीं, कि दी, जो लड्डू गोपाल जी की आप बॉटल यूज़ करते हो, वो बॉटल आपने कहाँ से परचेज़ की है? काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स मुझे इस बॉटल से लेके, तो मैंने सोचा मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू की बॉटल आप कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में या गिफ्ट गैलरी में आपको जाकर आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ईज़िली आपको ये कॉस्मेटिक शॉप्स में ये जो बॉटल है ये अवेलेबल हो जाएगी। और क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो काफ़ी लोगों का है। तो सबसे पहले मैं ये ड्रेसेस कुछ दिखा रही हूँ जो मैंने परचेज़ की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ड्रेसेस हैं, ये कॉटन ड्रेस है, ये मिरर वर्क ड्रेस है फ्रेंड्स एक। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दी, आप शॉपिंग कहाँ से करते हो, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी एक जगह से शॉपिंग नहीं करती हूँ लड्डू की, मैं अलग अलग जगह से परचेज़ करके आप लोगों को शेयर करती हूँ वहाँ के रिव्यूज़। तो मैं आज उन सारे जगह के नाम भी बताऊँगी कि मैं ये कहाँ से ड्रेसेस परचेज़ करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है लड्डू के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं परचेज़ करती हूँ ये ड्रेसेस ऑनलाइन, जो कि इंस्टाग्राम से करती हूँ। इंस्टाग्राम पर पेज है लड्डू गोपाल कलेक्शन के नाम से, वहाँ से मैं ड्रेस परचेस करती हूँ, काना क्राफ्ट्स के नाम से। और लड्डू गोपाल 64 भी एक इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ से भी मैं ये ड्रेसेस परचेस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो चवर आप देख रहे हैं जो मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लिया है, ये मैंने लिया है लड्डू गोपाल 64 के नाम से जो इंस्टाग्राम पर पेज है। और ये कुछ कालंगी है फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ, पहले मैं इसे थोड़ा साइड कर दूँ, आप लोगों को कालंगी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने लड्डू गोपाल जी के पुष्टि मार्ग श्रृंगार के लिए ली है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने लड्डू गोपाल 64 जो इंस्टाग्राम पर पेज है वहाँ से ली है। इन सारी जगहों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी फ्रेंड्स, तो आप इजीली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप नहीं हैं तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक ही कमेंट काफ़ी बार आता है कि दी, आप शॉपिंग डिटेल्स प्लीज़ शेयर कीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शेयर भी की है फ्रेंड्स। ये देखिए, एक और सवाल था कि ये जो लड्डू गोपाल जी की सखियाँ हैं जो आप लड्डू गोपाल जी के पास रखती हैं, वो आपने कहाँ से ली है या क्या आपने ये बनाई है? तो फ्रेंड्स, ये हैंडमेड नहीं है, मैंने ये खुद से नहीं बनाई है, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस की है और इन्हीं में से एक जगह से मैंने ये परचेस की थी काफ़ी टाइम पहले।
तो फ्रेंड्स मैं सारी डिटेल शॉपिंग हॉल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि ये मैंने सारी ड्रेसेस मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के सवालों के जवाब मैं आंसर कर पाई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लड्डू गोपाल कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।